सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ यूनिक कॉस्मेटिक आइडिया को लेके। तो एक्चुअली गाइस, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कुछ नेल पॉलिश की कंटेनर मैंने रखा है और यही नेल पॉलिश के कंटेनर को लेके मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपने एक नया कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है या ऑलरेडी आप शॉपकीपर हो तो आप मेरे बातों से बिल्कुल सहमत होंगे। तो इस तरीके का नेल पॉलिश का कंटेनर हम हमारे शॉप में सेल करने के लिए रखते हैं। बट गाइस, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इस साइड पे बहुत सारे नेल पॉलिश की कंटेनर है और एक साइड पे दूसरे साइड पे भी है। तो यहाँ पे आपको जो मल्टी कलर में बहुत अच्छे अच्छे कलर का नेल पॉलिश दिख रहा है, तो एक्चुअली ये सारे के सारे नेल पॉलिश जो है खराब है, यानी कि ये सूख चुका है। और इस साइड पे आपको यहाँ पे जो नेल पॉलिश दिख रहा है ये सारे के सारे ऑफ कलर है, यानी कि ये सारे कलर पता नहीं क्यों देते, ये सारे कलर बिकता ही नहीं है मार्केट पे। आप जैसे देख सकते हो सारे के सारे कलर ऑफ है। जैसे कि खास करके देखिए ये कलर है, तो ये सारे जो कलर है ना गाइस, वो बिकता ही नहीं है। मतलब आप देखिए, ऐसा कलर कौन लेगा यार, कौन उंगली पे लगाएगा। तो ऐसे पता नहीं क्यों बहुत सारे कलर दे देते हैं जो बिकता नहीं है, और उसके वजह से क्या होता है कि हमें नुकसान होता है, यानी कि हम पैसे देके खरीद के लाते हैं और ऐसे ही अगर प्रोडक्ट बैठा रहेगा तो हमें नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है कैसे जो है हम ये सारे के सारे जो नेल पॉलिश के कंटेनर है इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे नेल पॉलिश है और मेरे शॉप में ऐसे जब भी जमा होता है 15 पीस 20 पीस, मैं उसको तुरंत ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको अगर ढीला छोड़ दूंगा तो ये काफ़ी सारा जमा हो जाएगा और आगे जाके मुझे मन भी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो काफ़ी सारा नुकसान होगा। तो ऐसे करके हम हमारे शॉप में डेड स्टॉक जो है वो कम कर सकते हैं, खास करके नेल पॉलिश का। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे हम इसको ठीक करेंगे और क्या इसका उपाय है। तो वीडियो में टिल इन तक बने रहना। उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको बताना चाहूँगा दिस इज योर एबी कॉस्मेटिक्स वाला, एंड मेरे इस चैनल पर आपको कॉस्मेटिक शॉप के रिलेटेड जितना भी नॉलेजेस है मैं मेरे वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। तो इसी बात पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आए, तरीका सही लगे, तभी लाइक करना। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको ठीक करेंगे। तो इसके लिए क्या है, मुझे और एक नेल पॉलिश की जरूरत पड़ेगा, तो वो नेल पॉलिश मैं पहले लेकर आता हूँ। तो इसके लिए अगर देखिए, मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का नेल पॉलिश लिया है, तो ये एक अच्छा नेल पॉलिश है, तो इसी की हमें ज़रूरत है अभी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये एक नेल पॉलिश है, तो इस पर अभी हम कोई ये जो नेल पॉलिश है इसको हम ऐसे इसको जो कैप है इसको खोल लेंगे, देन इसी के सिमिलर जो कलर आएगा तो इस पर आप रेड डालेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है, रेड उसी में डालना है, जैसे ये एक ऑड कलर है तो इसमें हम कौन सा कलर डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप देख लीजिए ये कलर काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राबी हो चुका है एक किस्म का, तो इसको हमें रेड डाल के अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कलर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रेड डाल देंगे, तो इतना क्वांटिटी मैंने डाला यहाँ पे, और इसको अभी बंद करेंगे। बंद करने के बाद आपको ऐसे शेक करना है काफ़ी देर तक। तो शेक करने के बाद गाइज यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का कुछ ब्रश आएगा, आपके शॉप में ये अवेलेबल रहेगा, ऐसा मेकअप ब्रश आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप मैनेज कर लेना। तो उसको ऐसे अंदर डालेंगे, तो अच्छे से डालना है आपको, नहीं तो निकल जाएगा वो सारा का सारा जो आपने नेल पॉलिश डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेल पॉलिश का कलर कितना अच्छा आ रहा है, तो इसी टाइप से जो नेल पॉलिश का कलर वो धीरे धीरे आएगा। तो आपको ऐसे करके ये जो है पूरा मिक्स कर देना है, अंदर जो भी आपका नेल पॉलिश है वो मिक्स कर देना है, ठीक है। कि धीरे धीरे आप देखेंगे इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज होता रहेगा। तो अभी तक ये कलर जो है इस किस्म का आया हुआ है, तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल्स करके दिखाता हूँ एंड में कैसा कलर आता है। तो इसको काफ़ी देर तक ऐसे शेक करने के बाद फाइनली जो ये कलर आप देख पा रहे हो गाइस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो ये कुछ इस टाइप का कलर आया हुआ है। मैं अभी थोड़ा आपको जो है उंगली पे लगा के दिखाता हूँ। देन गाइस, वीडियोस की बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ड्राई नेल पॉलिश जमा होंगे उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो जो इस तरीके का सूखा हुआ नेल पॉलिश आएगा ना आपके शॉप में, अगर आप शॉप चलाते हो आप इस बात से वाकिफ होंगे और आप भी ये प्रॉब्लम से जूझते होंगे कि ऐसे नेल पॉलिश सूख जाते हैं। तो ये सूखा हुआ नेल पॉलिश को कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें दूसरे कुछ सहारे की ज़रूरत है, तो वो हमें मैनेज करना पड़ेगा। उससे पहले गाइस, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक जितना आपने देखा उतना तक आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो हम उसको सूखे हुए नेल पॉलिश को ठीक करेंगे, तो उसके लिए जो भी सामान हमें इकट्ठा करना है वो पहले कर लेते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये एक पैन है, तो यहाँ पे मैंने वाटर ली है, तो एक्चुअली ये बॉइल्ड वाटर है, हॉट वाटर है। तो ये हॉट वाटर का काम क्या है, तो हम इंडियन जुगाड़ लगाएंगे, इंडिया में रहते हैं इंडियन जुगाड़ नहीं लगाएंगे तो काम किस बात का। तो यहाँ पे देखिए जो नेल पॉलिश देख रहे हो आप ये सूख चुका है, तो ऐसे मेरे पास ये सारे जो मैंने कंटेनर ली है तो मेरे पास उतना ज़्यादा जमा नहीं होता है, तो ये सारे के सारे जो नेल पॉलिश की कंटेनर है हम इसको ऐसे यहाँ पे डाल देंगे, वन बाय वन इसको हम ऐसे यहाँ पे डाल देंगे।
तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे जब तक पानी हॉट है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके पास क्वांटिटी में ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे ही जो हॉट वाटर है उसको वहाँ पे रखना। आप ऐसे भी स्टोव में डाल सकते हो, जो आपका गैस का ओवन है वहाँ पे हल्का फ्लेम दे के आप ऐसे रख सकते हो। बट ध्यान पे रखेंगे कि नेल पॉलिश में जो ब्रांड का नाम वगैरह रहता है तो वो रिमूव नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको पानी का जो मात्रा है वो नीचे रखना चाहिए, मतलब जिस साइड में लेवल है उसके अपोजिट साइड में वो कर देना है। तो ऐसे करके हम इसको छोड़ देते हैं। सो गाइज, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, नेल पॉलिश सूखते सूखते मैं दो तीन बातें आपको बता लेता हूँ, क्योंकि अगर आपने नया कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे बना के रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक के बाद एक बहुत सारे वीडियोस है जो आप वाई टू जेड देखेंगे तो आपको कॉस्मेटिक शॉप कैसे खोलना है, कितना इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ से आपको मिलेगा, सामान कहाँ से लेंगे, सारी चीज़ें आपको ये सब वीडियो में मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स दिया है ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि मेरा लास्ट वीडियो है, बट क्या है थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है बंदा कि मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट रखने के लिए काफ़ी सारे शॉप पर गया था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया वीडियो बनाना। बट आप टेंशन ना लो, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है शॉप का रेनोवेशन का, तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी लेके आऊँगा। तो अभी देखते हैं कि नेल पॉलिश ऑलमोस्ट जो है 10 to 15 minutes क्रॉस हो चुका है, अभी वो ठंडा हुआ कि नहीं है वो सारी चीज़ें देखते देखने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो पानी जो है ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा बहुत है गर्म, तो इसमें हम ये वाला जो नेल पॉलिश है तो मतलब ये पानी में डालने से पहले दिखाया था, तो देखिए काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और इसको अभी थोड़ा बहुत शेक कर लेना है ऐसे, और इसको शेक करने के बाद अभी हम नेल पे ट्राई करेंगे। इसे देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया ढंग से ये अभी रेडी हो चुका है। पैसे पहले कैसे कितना सूखा हुआ था एकदम, तो इसको अभी थोड़ा नेल पे ट्राई करते हैं। सो हियर यू कैन सी गाइस, इट्स रेडी टू यूज़। तो काफ़ी बढ़िया टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की है, बट एक से नहीं, जो भी और भी काफ़ी सारे है उसको अभी ट्राई करेंगे। ये वाला एक है और जो पहले वाला था इसका हालत काफ़ी ख़राब था, इसको भी ट्राई करेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस, ये भी काफ़ी बढ़िया ढंग से सही हो चुका है। तो इसको मैं दूसरा जो मेरा नेल है उस पर ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे इस पर लगा के देखते हैं। सो ऑलमोस्ट ये सही हो चुका है गाइस। तो ऐसे करके मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो जितना भी आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है तो आपको होप करता हूँ आइडियाज़ पसंद आ गया होगा। अगर अभी तक आपको आइडियाज़ अच्छा लगा तो अभी आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको ऐसे ही यूनिक यूनिक कॉस्मेटिक आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।